नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलो आज जगत में भी, कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नागालैंड के दीमापुर रैली में प्रधानमंत्री ने किया सियासी प्रहार, कहा नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी अष्ट लक्ष्मी की तरह मानती है, कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं। आज शिलांग में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। 27 तारीख के चुनाव के लिए कांग्रेस और टीएमसी समेत बाकी दलों ने भी झोंकी अपनी ताकत। कृषि और सहकारिता विषय पर पीएम मोदी ने किया बजट वेबिनार, हितधारकों के साथ बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर तालमेल के इरादे से किया संवाद, कहा अब तक कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहे, सहकारिता क्षेत्र का नई क्रांति के तहत पूरे देश में किया जा रहा है विस्तार। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में पीएम मोदी ने दिया मंत्र, कहा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ही जीत सकते हैं दुनिया का भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक शुरू। यूएनजीए में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, उधर एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का पोषक। रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल हुआ पूरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ शांति प्रस्ताव, रूस से दुश्मनी खत्म करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान। महिला T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराया। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर, शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि और सहकारिता पर बजट प्रस्ताव के बाद वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में भी कृषि को काफी महत्व दिया गया है, 2014 के मुकाबले इस वर्ष कृषि बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले, 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति आ रही है, एग्रीटेक डोमेन में निवेश की अपार संभावनाएं बन रही हैं। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्री टेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है। इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की, इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का, इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का, साथ ही सही सलाह सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक कृषि क्षेत्र से चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते तब तक संपूर्ण विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।
हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र के तेज विकास के लिए युवाओं से आगे आने का उन्होंने आह्वान भी किया। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, एग्री टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति आ रही है और कई क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त कुछ और ताजातरीन खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर जिले के चुमू के दिमा में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जहां पहले नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को अपनी जेब भरने का एटीएम समझती थी, वहीं भाजपा और एनडीए की सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर के लिए राजनीतिक सोच को बदल दिया है। बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए, हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी समझती है और दिल्ली से दूरी मिटाने के साथ दिल की दूरियों को भी मिटाने की कोशिश कर रही है। हम नागालैंड को
नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते बल्कि सबके हित और सबके विकास के लिए काम करते हैं। अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से नागालैंड में पिछले 9 सालों में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है और इस प्रकार की बात का भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन आपको अब सीधे इस वक्त शिलांग ले चलते हैं। शिलांग में प्रधानमंत्री एक रोड शो करने जा रहे हैं, उससे पहले हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तमाम ऐसे लोगों का जिनका देश में एक योगदान रहा है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे में शिलांग का ये पड़ाव, मेघालय का, और प्रधानमंत्री अब एक रोड शो के लिए निकलेंगे। उससे पहले उन्होंने तमाम महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम जो लोग वहां मौजूद हैं उनका अभिवादन भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने आप में ये तमाम वो लोग जिन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अपना एक पूरा संघर्ष दिया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर जोर रहा है कि जिन नायकों ने देश की आज़ादी में एक बड़ा रोल अदा किया है, भले ही उनके योगदान को भुला दिया गया हो लेकिन उनके योगदान को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते हैं और ये तस्वीरें उन सड़कों की, सड़कों के दोनों ओर जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए और प्रधानमंत्री को एक फोटो के तौर पर अपने कैमरे में कैद कर लेने के लिए, ये तमाम लोगों की उत्सुकता साफ तौर से देखी जा सकती है। पुरुष, महिलाएं, युवा बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं शिलांग की इन सड़कों पर। मेघालय में 27 तारीख को वोटिंग होनी है और मेघालय के साथ साथ नागालैंड में भी दोनों ही राज्यों में 27 तारीख को वोट पड़ेंगे। 60-60 विधानसभा सीटों के लिहाज से और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और स्थायित्व को विकास के लिहाज से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे शांति स्थापना हुई है बीते तमाम वर्षों में और विकास के एक नए युग की शुरुआत बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि पूरे पूर्वोत्तर में है और उससे मेघालय भी अछूता नहीं है। स्थानीय संगीत की भी आवाज साफ तौर से सुनी जा सकती है और निश्चित तौर से सभी का इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का कि प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के लिए निकलेंगे और तमाम युवा खासकर अपने अपने मोबाइल के साथ में एक तस्वीर को, उस लम्हे को कैद कर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं और ये रोड शो शिलांग में अब शुरू होने वाला है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के आज रैलियां और रोड शो प्रस्तावित हैं नागालैंड और मेघालय में, क्योंकि 27 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री का आज धुआंधार प्रचार भी हमने देखा, किस प्रकार से लगातार उन्होंने रैली की है। अब से कुछ देर पहले अब रोड शो करने जा रहे हैं, इसके बाद भी उनकी रैली का कार्यक्रम है। तो अपने आप में बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्क स्टाइल की बात की जाए तो लगातार उनका फोकस नॉर्थ ईस्ट को लेकर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली से दूरी कम करने की बात करते हैं
नॉर्थ ईस्ट से दिल की दूरी कम करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और लगातार खुद प्रधानमंत्री बहुत दौरे कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्री लगातार दौरे करते रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि हर 15 दिन में केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट पहुंचते रहें, और उसका ही असर है कि विकास एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो, प्रधानमंत्री अपने वाहन पर मौजूद और हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, शिलांग की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, पारंपरिक वेशभूषा में लोग नजर आ रहे हैं शिलांग की इन सड़कों पर। और यही खूबसूरती है अपने आप में नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, एक सांस्कृतिक छटा जो देखने को मिलती है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पारंपरिक परिधानों में लोगों की मौजूदगी ये दिखाती है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट ने खुद को तमाम विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी झलकती है। प्रधानमंत्री दोनों हाथ से सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों में खुशी की लहर, लोग खुश हैं अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर, हाथ हिलाकर इस्तकबाल कर रहे हैं, मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। ये उत्सुकता अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, और हमने देखा है कि तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री जब कभी भी जनता से सीधे संवाद के लिए, सीधे जुड़ाव के लिए सड़क पर रोड शो करने के लिए जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग निकल के आते हैं, लाखों की संख्या में लोग निकल के आते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। और आज ऐसी ही तस्वीरें हम एक बार फिर से शिलांग की सड़कों से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और मोदी मोदी के नारे भी साफ तौर से सुने जा सकते हैं। और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरह से लोगों के अंदर स्वीकारता है, और कैसे इस उत्साह की वजह से लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए शिलांग की सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। और लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, खिली हुई धूप का एक बढ़िया बेहतर मौसम, और लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के इस काफिले में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर तमाम प्रकार के इंतजाम भी होते हैं, कई बार सिग्नल ब्रेक भी इस सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते होते हैं, और शायद इसलिए भी वो तस्वीरें लगातार बेहतरी से कनेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्राथमिकता है वनस्पत उन तस्वीरों की लाइव स्ट्रीमिंग के, तो इस वजह से कई बार ये स्थिति भी आती है। लेकिन निश्चित तौर से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। शिलांग की ये सड़कें और अपने आप में प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार कर का आज का दिन, और ये 24 फरवरी का दिन, क्योंकि 27 को वोटिंग होनी है नागालैंड और मेघालय में। हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे में दोनों ही राज्यों में जनता के साथ जुड़ाव संवाद की बात है, और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जब रैली की इस बात को कहा कि कैसे पूर्वोत्तर उनके लिए अष्ट लक्ष्मी है, क्योंकि 8 राज्यों को अपने लक्ष्मी के स्वरूप के तौर पर उन्होंने परिभाषित किया, और ये कहा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है पूरे भारत के लिए। दिल्ली के लिए पूर्ववर्ती स्थितियां अलग थीं, एक अलग प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं होती थी, भ्रष्टाचार की बात होती थी, डिवाइड की बात होती थी, एक प्रकार का उग्रवाद दिखाई पड़ता था, अशांति का माहौल था। लेकिन बीते 8-9 वर्षों में स्थितियां बहुत बदल गई हैं, शांति स्थापना हुई है, तमाम पीस अकॉर्ड हुए हैं, उसके आधार पर शांति की एक स्थापना की गई है, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि शांति स्थापना के बाद में विकास की जो तमाम परियोजनाएं हैं वो समय पर पूरा होती नजर आ रही हैं। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले अपने भाषण में किया कि डिवाइड से डिवाइन की ओर, क्योंकि डिवाइन एक योजना है जिसके माध्यम से समय पर परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट में पूरी हों, वो कोशिश है। लोग फूल फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, ये लोगों के इस जुड़ाव प्यार को दिखाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति उनका लगाव, और ये आवाज जो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है, लोगों के अंदर की उत्सुकता, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनके प्रति जो आकर्षण है लोगों का, उनके लिए जो स्वीकारता है लोगों की, वो कमोबेश एक जैसी ही नजर आती है, चाहे उत्तर भारत के राज्य हों, दक्षिण भारत के राज्य हों, पूर्वोत्तर के राज्य हों, पश्चिम भारत के राज्य हों, या फिर पूर्वी भारत के राज्य हों। जहां कहीं भी प्रधानमंत्री का रोड शो हम इस प्रकार से देखते हैं तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी संख्या में जनसैलाब लोगों का दिखाई पड़ता है, और वही जनसैलाब आज इस वक्त शिलांग की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री भी तमाम उन लोगों से जो सड़क के किनारे मौजूद हैं उनकी एक झलक पाने के लिए उनसे सीधा एक तरीके से कनेक्ट करते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री सीधे लोगों के साथ में जुड़ता है, संवाद करता है, और उनके इस प्रकार के जो जेस्चर्स हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नेता के तौर पर और विश्व में एक बड़े
वैश्विक नेता के तौर पर जो स्वीकारता मिलती है उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि वो जन जन के नेता के तौर पर खुद को जनता के साथ में जुड़े रखना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो इस प्रकार के तमाम कोई एक मौके को नहीं छोड़ते जब उनका जनता से जुड़ने का, मिलने का, संवाद करने का एक मौका होता है। और आज शिलांग में भी उस मौके के तहत प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये काफिले की कार जिसका जो सामने का शीशा है फूलों से एक तरीके से भर गया है, पट गया है, ये बताता है कि लोग फूल लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद हैं और रास्ते पर बीच बीच में पारंपरिक नृत्य भी देखने को मिल रहा है मेघालय का, यानी कि लोग पहुंचे हुए हैं। पारंपरिक जो छटा है मेघालय की, पारंपरिक संस्कृति है जो मेघालय की, उसका मुजाहिरा भी देखने को मिल रहा है। फूलों की वर्षा यहाँ पे हो रही है, लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने सुनने, उनके इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको अपने फोन में एक लम्हे तस्वीर के तौर पे कैद करने लेने के लिए। और ये पारंपरिक नृत्य भी आप देख सकते हैं कि लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस समय उन तमाम नृतकों जो कि संस्कृति को सहेज के रखे हुए हैं उनके सामने से, उनके स्टेज के सामने से गुजरते हुए। और यहाँ पर भी लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो गाने की बात हो या फिर वहाँ पे डांस की बात हो, उस लिहाज से बहुत प्रोएक्टिव राज्यों के तरीके से देखने को मिलता है, बहुत एक विविध संस्कृति वहाँ पर देखने को मिलती है। लोग इन सब चीज़ों के शौकीन भी बहुत हैं। जहाँ पारंपरिक नृत्य और शैलियाँ देखने को मिलती हैं तो वहीं जो नवीनतम जो अपने आप में वाद्य यंत्र उसके शौकीन भी लोग नज़र आते हैं। और निश्चित तौर से वो दोनों ही चीज़ें इस वक्त हमको दिखाई पड़ रही हैं सड़कों के दोनों ओर, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं पारंपरिक वेशभूषा में। और प्रधानमंत्री के इतना बड़ा एक तरीके से कटआउट लगा हुआ है क्योंकि हमने देखा है कि सामान्य तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रकार के कटआउट्स बड़े बड़े आदमकद लगाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के आदमकद कटआउट्स को देखना ये भी प्रधानमंत्री के उस कद को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितनी उत्सुकता है लोगों में। और फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री की कार का जो शीशा है एक तरीके से फूलों से पटा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि लोग किस खुशी के साथ में, किस उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम नजरें एक तरफ देख रही हैं जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला आना है और ये बताने के लिए काफी है कि सब नजरों को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी की उस एक झलक का है जिसमें वो देख लेना चाहते हैं कि हमारे देश के विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रयास उन्होंने किए हैं कैसे उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की एक संकल्प को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री उनके बीच आज फिर से पहुंचे हुए हैं। और युवाओं में उत्सुकता, बच्चों में उत्सुकता ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। चेहरे के भाव पढ़ना बहुत आसान और सहज है क्योंकि चेहरे की खुशी बहुत कुछ बयां कर देती है, शब्द नहीं चाहिए उस खुशी को बयां करने के लिए, वो भाव ही काफी है। प्रधानमंत्री को देखकर जो खुशी लोगों के चेहरों पर दिखाई पड़ रही है और प्रधानमंत्री भी एक मौका नहीं चूक रहे, सड़क के दोनों तरफ हाथ हिलाकर उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो दोनों ही तरफ हजारों की संख्या में मौजूद है। शिलांग की सड़कों पर इस काफिले को अद्वितीय कहा जा सकता है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो बहुत बड़ी आबादी वाले राज्य नहीं होते क्योंकि पहाड़ी दुर्गम इलाके होते हैं, घनी आबादियां कुछ शहरों तक सीमित होती हैं, बहुत बिखरी हुई आबादियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके आकर्षण को साफ तौर पर दिखाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये अपने आप में चुनाव को एक नया रंग, तेवर, कलेवर देने के लिहाज से राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनको मजबूर करेगा क्योंकि ये जो संख्या है लोगों की मौजूदगी है सड़कों के दोनों ओर ये अपने आप में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करेगी, ना सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को बल्कि तमाम राजनीतिक जो पंडित हैं जो चुनाव को विश्लेषण करते हैं उनके लिहाज से भी। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की वो तमाम जो संस्कृति की झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को प्रॉपर तरीके से कवर करके लोगों तक पहुंचाने दिखाने के लिहाज से। और लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद हैं तो वहीं साथ ही साथ तमाम युवा, महिलाएं भी और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। और ये नृत्य का कार्यक्रम भी, संगीत का कार्यक्रम भी, जिसके माध्यम से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की लगातार पुरजोर कोशिश करती हुई। और मेघालय की शिलांग की सड़कों पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो 27 तारीख को होने वाले चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद अहम है क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जिन राज्यों में या लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री ने जब रोड शो किए हैं तो माहौल बदलने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बीजेपी के पक्ष में रोल अदा करने के लिहाज से
प्रधानमंत्री के रोड शो एक बड़ा रोल अदा करते रहे हैं और आज का ये रोड शो भी जो शिलांग की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक जानकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में, प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हंसते मुस्कुराते चेहरे, तमाम पारंपरिक वेशभूषाओं में महिलाओं अपने आप पहुंची हुई हैं उन तमाम परिधानों में जो एक संस्कृति की झलक दिखाने के लिए काफी है और अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से आज शिलांग मेघालय में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए निकले हुए हैं। 27 तारीख को वोटिंग होनी है, 60 विधानसभा सीटों के लिहाज से ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राजनीति को लेकर भी किस तरह से मेघालय या पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने आप में उत्सुकता देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की आमतौर पर बात की जाए, नागालैंड मेघालय की बात की जाए, तो यहां पर 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता आया है। अगर हम बीते विधानसभा चुनाव की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव के समय की भी बात करें तो 80% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। तो ये अपने आप में राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य के तौर पर भी मेघालय नागालैंड जैसे राज्यों को देखा जा सकता है और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की राजनीतिक जागरूकता भी है कि लोग आए हैं प्रधानमंत्री को देखने सुनने और उनसे एक तरीके से उनकी झलक पाने के लिए। और ये अपने आप में राज्य के लिहाज से भी बेहतर है कि अब इस बार के चुनाव में क्या वो तमाम पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्योंकि हर बार एक नए रिकॉर्ड कायम करने को लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है और बहुत जागरूक जनता के तौर पर, जागरूक मतदाता के तौर पर 80-85-86% तक वोटिंग परसेंटेज इन राज्यों में देखने को मिलता रहा है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारियां की है, राजनीतिक दल भी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश के तहत बीजेपी के पक्ष में मेघालय में शिलांग में एक प्रचार के तहत प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पुष्प वर्षा के साथ, फूलों की वर्षा के साथ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ा सा ठहरता भी है। लोगों को ठहर कर प्रधानमंत्री एक तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, सीधा संवाद करते भी नजर आते हैं। जब प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का जो उत्सुकता है प्रधानमंत्री उसको सहजता से स्वीकारते हैं और सड़क के दोनों ओर जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इन तमाम लोगों तक प्रधानमंत्री जब हाथ हिलाते हैं तो उनके जो आवाजें हैं वो बताने के लिए काफी है कि कैसा उत्साह इस वक्त या उत्साह का संचार इस वक्त पूरे माहौल में देखने को मिल रहा है। तमाम कैमरे के माध्यम से ये तस्वीरें भी आप तक लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं। शिलांग मेघालय की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट या कहा जाए मेघालय या शिलांग के इस प्रकार की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से उनकी स्वीकारता को लेकर, उनके प्रति लोगों का उत्साह और आकर्षण को लेकर इतनी बड़ी जन सैलाब उभरा हुआ है। ये 27 तारीख के वोटिंग से पहले बहुत कुछ तय करने को लेकर, बहुत कुछ बताने को लेकर, बहुत कुछ विश्लेषण करने को लेकर, कह देने के लिए काफ़ी है। और ये प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें जहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है तो लोगों का प्रधानमंत्री से जुड़ाव हो सके उसका भी इंतजाम किए गए हैं और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर पारंपरिक तरीके से नृत्य चल रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि फूलों की वर्षा ये दिखाता है कि आप किसी एक नेता के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं। एक नेता को देखना और उसके प्रति उसके स्वागत में फूलों को फेंकना, ये दोनों अपने आप में उसके प्रति स्वीकारता को दिखाते हैं और ये शायद एक बढ़े हुए चरण के तौर पे कहा जा सकता है जहाँ पे लोग उस नेता को किस हद तक पसंद करते हैं, उसके प्रति उनका एक लगाव और जुड़ाव कितना ज्यादा है। शायद इसलिए लोग खुद ब खुद बड़ी संख्या में सड़कों के दोनों ओर मौजूद फूलों के साथ में प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की वर्षा करते हुए और इस काफिले के माध्यम से तमाम, ये तस्वीर देखिए, ये किसी चौराहे के पास की तस्वीर जहाँ पर उस जगह पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक साथ लगातार सर ही सर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है क्योंकि महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी भी राजनीतिक जागरूकता के लिहाज से देखी जाए तो मेघालय में बहुत बेहतर है। महिलाओं के हक हुकूक भी बहुत बेहतर है और महिलाओं का सम्मान भी बहुत बेहतर है, इस अगर पूरे राज्य की बात की जाए, और शायद इस लिहाज से भी महिलाएं जागरूक हैं एक राजनीतिक मतदाता के तौर पर और राजनीतिक समझ के तौर पर भी उनकी एक जो समझ है वो बेहतर है और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी सड़कों पर आई हुई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए और प्रधानमंत्री का सड़क के दोनों ओर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना
और प्रधानमंत्री की ये झलक लोग अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। न सिर्फ सड़क के तुरंत पास में बल्कि सुदूर पीछे के लोगों तक भी प्रधानमंत्री अपना हाथ हिलाकर अभिवादन का संकेत देते हुए ये पीछे खड़े पंक्ति में व्यक्ति को भी एक भरोसा देता है कि हाँ, मैंने आपके इस अभिवादन को स्वीकार किया है। क्योंकि जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री यहां पर कतार में पीछे तक खड़े हुए व्यक्ति का अभिवादन को स्वीकार करने का भी संकेत देते हैं। ये जन सहलाव और यहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और संभवतः प्रधानमंत्री इस जगह पे यहाँ मौजूद है और निश्चित तौर से ये कोई चौराहा जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और बीजेपी के झंडे के साथ में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद, लोगों के हाथ में फोन और यहाँ पर जनसैलाब। Coming today in this large number, आप लोग को सब स्वागत कर रहा है इतना बड़ा संख्या से आया आज ये मीटिंग के लिए। I'm deeply honored and privileged to welcome our Prime Minister Narendra Modi ji. Give a big round. We would like to thank the Prime Minister for his generous heart that in respective of the numbers of BJP elected MLA in the state, he has ensured full support to Meghalaya in the last 8 years. Whether it is in the scheme to the poor or infrastructure development and connectivity of the state. Today, every section of the society is unhappy with the rulers of the state in the last 13 years. Earlier, we had the mess of INC leadership, which is the same old KCPT leadership with a new branding of TMC. Branding is not enough. The product also need to be good. NPP leadership was no different. Same style, same misgovernance,
that INC, or I would like to say, same TMC leadership gave us. In the last 13 years, corruption has gone up. School and colleges have not been built. The health sector is in complete disarray. Unemployment has gone up, and the only people to blame are the TMC and NPP leadership. My brothers and sisters, today is an important day for Meghalaya. Our Honorable Prime Minister will deliver on the foundation for the future of the state for the next 5 years. The Honorable Prime Minister has always pressed on the corruption-free and dynasty-free politics. A stronger Meghalaya needs the honest and capable leadership, and the BJP is the only party that can deliver on it. TMC and NPP's Sangma family will only work for their family members, will bring incapable people in the politics who will do nothing for the future of Meghalaya. BJP has the guidance of Prime Minister Modi ji. Better guidance lead to better leadership, better governance, and better, stronger BJP, which is sponsor for the strong Meghalaya. With this few words, Kublai Shibon, Jai Hind. Now I'll keep the space for our Honorable Prime Minister, beloved leader, to keep a speech. Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki. Hello Shillong. Hello Meghalaya. It is amazing to be here. There is something special about this place. When I think of Meghalaya, I think of the talented people. I think of the vibrant traditions. I also think of the amazing natural beauty. The music of Meghalaya is lively. The passion for football is high. There is creativity in every corner of Meghalaya. We are all proud of Meghalaya's culture. The famous rock band Queen had a famous song, "We Are the Champions." Today, I could say, Meghalaya, you are the champion. I am here with a message of hope and development. India is scaling new heights of success. And Meghalaya is making a strong contribution to it. We want to build on this further and work for the state. Sathiyon, मुझे पहले भी कई बार आपके बीच आने का मौका मिला है, लेकिन आज जिस प्रकार से शानदार और जानदार ये रोड शो आपने किया है,
मैं तो जा रहा था तुरा, लेकिन मुझे आज रुकना पड़ा आपके बीच में शिलोंग में। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मेरी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी। मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। भाइयों बहनों, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, व्यापारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, किसान हो या फिर मजदूर, सभी एक सुर में कह रहे हैं मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे। भाइयों बहनों, भाजपा के समर्थन में ये जो सेंटिमेंट पूरे मेघालय में दिख रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, उसके अनेक कारण है। लंबे समय तक मेघालय सहित उस पूरे रीजन को कुछ लोगों ने अपने परिवारों की, अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग किया है। ये परिवारवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेघालय को परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को, जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहां मेघालय में भी ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है। उन्होंने पूरे मेघालय को
एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं, अपने जेब भर देते हैं। आप लोगों को छोटे छोटे मुद्दों पर बांटा गया, मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसी पॉलिटिक्स ने मेघालय का बहुत नुकसान किया है, मेघालय के युवाओं का नुकसान किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की जनता अब भाजपा के साथ है, कमल के साथ है। मेघालय एक मजबूत पार्टी के नेतृत्व में स्थिर और मजबूत सरकार चाहता है। मेघालय आज फैमिली फर्स्ट के बजाय, ध्यान से सुनिए, फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट वाली सरकार चाहता है। चाहता है ना, चाहता है ना। इसलिए कमल का फूल आज मेघालय की मजबूती, मेघालय की स्थिरता, मेघालय में शांति का प्रतीक बन गया है। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों ने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी, मेघालय के हितों को नजरअंदाज किया है। अच्छी सड़कों का अभाव, रेल कनेक्टिविटी का अभाव, अच्छे एयरपोर्ट्स का अभाव, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे होता। बीते 9 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने नई परिस्थितियां बनाई है। अब मेघालय का, नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदल रहा है, बदलने वाला है। हम इस बदलाव के लिए आपके पास आए। हमने मेघालय की, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बेसिक चुनौतियों को कम करने पर जोर दिया है। नॉर्थ ईस्ट आज भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मजबूत पिलर बनता जा रहा है। ये ट्रेड और टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। इसलिए मेघालय के लोग कह रहे हैं, मेघालय के लोग कह रहे हैं, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे। साथियों, आज मैं शिलांग में एक नई शुरुआत अनुभव कर रहा हूं। पूरे रास्ते पर मैंने देखा है, मेघालय में बीजेपी की सरकार होगी तो दिल्ली से मुझे आपकी सेवा करने में और आसानी हो जाएगी। क्या आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे? आपकी सेवा करने का मौका देंगे? आपके कल्याण के लिए काम करने का मौका देंगे? मेघालय के विकास के लिए मौका देंगे? आप सभी इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं फिर से एक बार मेघालय का सर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ करो।
तो ये सीधी तस्वीर आप शिलांग से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। साफ तौर से कहा कि मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, और बीजेपी के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से कैसे सहयोग कर सके, विकास कर सके मेघालय का। इस तमाम विषयों का विस्तार से प्रधानमंत्री ने रखा और कहा कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारें एक एटीएम की तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास को रोकती रही हैं, पैसा लेती रही है, लेकिन अब अष्टलक्ष्मी के तौर पर इन राज्यों के विकास की एक नई धारा शुरुआत की गई है और मेघालय में भी विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया है। तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा, आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्टअप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब बात गुजरात से जुड़ी है। गुजरात राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट विधानसभा भवन में पेश किया गया। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3.1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कनुभाई देसाई ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया है। भूपेंद्र पटेल की दूसरी सरकार का यह पहला बजट है जिसे आज पेश किया गया। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि सरकार विकास यात्रा के 5 स्तंभों पर आगे बढ़ रही है। हमारा पहला स्तंभ गरीब और सामाजिक वर्ग को सुविधा और सुरक्षा देना है। देश की GDP में गुजरात का योगदान 8.36% है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 5,580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गुजरात बजट में दिव्यांग लोगों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को सुविधा सहायता, ST बस में निशुल्क यात्रा का लाभ देने के लिए 52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग के लिए गुजरात सरकार द्वारा 2,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कुल 43,651 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को प्रदान किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 15,182 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन जारी है। पार्टी के 15,000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल। 2024 के चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। इस साल छत्तीसगढ़ में भी होने हैं विधानसभा चुनाव। और बात हमारे सेगमेंट न्यूज लेंस की। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए आज पूरा एक साल हो गया है। पिछले साल 24 फरवरी के दिन ही रूस की सेनाओं ने यूक्रेन में दाखिल हुई थी और रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। रूस यूक्रेन के बीच सालों भर चले इस संघर्ष को लेकर सालों से लोगों की राय बटी हुई रही है। कोई रूस के इस कदम की भरपूर आलोचना करता है तो कोई पश्चिमी देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं रूस यूक्रेन के इस युद्ध के एक साल के लिखा जोखा पर। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध की लोग मोटे तौर पर दो तरीके से व्याख्या करते हैं। पहली यह है कि रूस ने यहाँ एक विस्तारवादी देश की तरह यूक्रेन को कब्जाने के लिए यह हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का ऐसा मानना नहीं है। उनका कहना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया उसके लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं और रूस को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है इन दोनों दावों के पीछे की कहानी। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा आते ही यूक्रेन को दी गई सुरक्षा के आश्वासन की बात होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। 1994 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए थे। इस मेमोरेंडम में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। यूक्रेन के पास सोवियत यूनियन के समय के परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में सुरक्षा गारंटी मिलने के बाद
यूक्रेन ने ये परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे। यूक्रेन के अलावा कजाकिस्तान और बेलारूस ने भी परमाणु हथियार सौंपे थे। वहीं इस मामले में रूस का दावा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देशों ने नाटो का विस्तार रोकने का वादा किया था। रूस लगातार कहता रहा है कि नाटो के विस्तार से रूस की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वारसा संधि भंग हो गई थी। वारसा संधि को सोवियत नाटो के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ के सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए वारसा संधि अस्तित्व में आई थी, जबकि दूसरी तरफ सोवियत विघटन के बाद नाटो का लगातार विस्तार होने में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड नाटो में शामिल हुए। चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड वारसा संधि का भी हिस्सा रहे थे। 2004 में 7 और देश नाटो का हिस्सा बने। इस बार बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हुए। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इससे पहले सोवियत संघ का भी हिस्सा रहे थे। 2009 में क्रोएशिया और अल्बानिया नाटो का हिस्सा बने। फिर 2017 में मोंटेनिग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया नाटो में शामिल हुए। 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और बाकी देशों को लेकर पश्चिमी देशों की नीतियों पर नाराजगी जताई थी। 2007 में पुतिन जर्मनी में अमेरिका और नाटो के खिलाफ खुलकर बोले थे। राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान इराक युद्ध और बाकी जगहों पर नाटो की नीतियों की खुलकर आलोचना की। इसके बावजूद 2008 में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर बातचीत की बातें सामने आई। इसके कुछ साल बाद यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा जताई। 2014 में रूस ने यूक्रेन के काले सागर के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस आक्रामकता के बावजूद पश्चिमी देशों की तरफ से क्रीमिया मुद्दे पर मजबूत जवाब नहीं आया। इसके बाद यूक्रेनी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नाटो और ईयू में शामिल होने की इच्छा जताई और आखिरकार रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से सवाल खड़ा करते हुए जानकार लोगों का कहना है कि रूस की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद रूस पर आती है और एक संप्रभु देश के तौर पर यूक्रेन को अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार है। आखिर यूक्रेनी सरकार और यूक्रेनी लोग ही अपने लिए नीतियों का निर्धारण करेंगे। और अंततः सवाल तो खड़ा होता ही है कि 21वीं सदी में किसी देश की संप्रभुता पर हमला करना कितना जायज है। इस गंभीर मुद्दे पर ये दो काफी अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तरफ रूस को इस हमले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो देशों की आक्रामक नीति को भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।